नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन। छिंदवाड़ा बरासिया भमोड़ी भाजपा पगारा मंडल के द्वारा आज पगारा मंडल की ग्राम पंचायत भाजी पानी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने के विरोध में धरना प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष मनीष सोनू यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ द्वारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की गई किया जाना अशोभनीय है। भाजपा मंडल मंत्री चेतन साहू ने कहा कि विष्णुदत्त शर्मा भारतीय जनता पार्टी के संघर्षशील नेता और जमीन से जुड़कर नेता जनता की सेवा कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद के रूप में जनता ने उन्हें चुना है और ऐसे संघर्षशील व्यक्तित्व पर अभद्र टिप्पणी उचित नहीं है। उसके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन कार्यक्रम ग्रामीण मंडल पगारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत भाजी पानी में धरना प्रदर्शन किया गया व कमलनाथ के पुतले का दहन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्राम की समस्त जनता जनार्दन ने कमलनाथ से प्रशासन के माध्यम से अनुरोध किया कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से माफी मांगे, जिसमें समस्त भाजपा के पदाधिकारी एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता की उपस्थिति हुई। समस्त ग्रामवासियों ने उपस्थित होकर अपना विरोध दर्ज किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मनीष यादव, जिला आमंत्रित सदस्य कपिल ठाकर, मंडल महामंत्री परशु यदुवंशी, मंडल मंत्री चेतन साहू, हीरालाल पाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष मुकुल साहू, स्वच्छता प्रभारी हेमंत चौहान, ओबीसी मोर्चा प्रभारी भूरा कौरव सह प्रभारी मौजूद थे। परासिया संवाददाता जगदीश पाल की रिपोर्ट।